आप सभी का हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे मैंने पिछली वीडियो में कराया था लॉजिकल वेन डायग्राम और उसके मैंने बिल्कुल बेसिक से टेप्स लिए थे, ऑल सम नो, क्योंकि ये तीन ही फिगर्स बनते हैं दोस्तों। कौन कौन से? ऑल सम नो, और उसके फिगर्स के बाद 10 टाइप्स के फिगर बनते हैं। इन तीनों को हम मिक्सर कर देते हैं, इन तीनों को हम मिला देते हैं तो हमारे कितने टाइप्स के फिगर का निर्माण होता है दोस्तों? 10 टाइप्स के फिगर का निर्माण होता है। ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होता है कि जिसका ये क्वेश्चन कभी गलत या सही। किस पर करता है निर्भर? ये करता है आपके डिपेंड किस पर मेरे भाइयों? बेसिक पर, कॉन्सेप्ट पर, कि जो 10 फिगर हैं वो आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि ऑल ऑल कैसा होता है फिगर, सम नो ऑल का कैसा फिगर होता है, या नो 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 का कैसा फिगर होता है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपके लिए करवा रखी हैं, एक से एक पूरा एक्सप्लेन के साथ। मैंने कुछ क्वेश्चन भी वहां पर कराए हैं, लेकिन आज मैं इसकी क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम की किसकी कराएंगे दोस्तों? हम लॉजिकल वेन डायग्राम की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देखें, अब फिर हम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे और एक से एक लेते हुए क्वेश्चन चलते हैं, फिर तो ध्यान देना। क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, मैंने बोला क्वेश्चन मेरे भाइयों, देखो इसको रफ कर देता हूं सभी को। देखो ध्यान दो, वेजिटेबल वेजिटेबल पटैटो पटैटो कैबेज कैबेज। अब ध्यान देना, मैं इसके फिगर लिख करता हूं और उसके फिगर बताइए। देखो ध्यान दो, ये लेता हूं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपको देखो यहां से रिलेशन निकालना भी आना चाहिए, तुरंत आपका माइंड क्लिक कर जाएगा मेरे भाइयों देखते ही, और फिगर आपके माइंड में क्लिक होने ही चाहिए कि इसका फिगर क्या है। बताइए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, बताइए। देखो ध्यान देना, मैंने पिछली वीडियो में भी क्या बताया था आपको? यही बताया था, देखो ध्यान दो भाई, वेजिटेबल और पटेटो में क्या रिलेशन है? एक चीज मुझे बताओ, जो भी वेजिटेबल्स हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी सब्जियां पटेटो हैं? लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि सभी पटेटो क्या है, सभी पटेटो क्या है मेरे भाइयों? वेजिटेबल्स है। तो ये रिलेशन कैसा निकला? ऑल का निकला? नहीं नहीं निकला। और मैंने एक चीज बोली थी, ऑल हमेशा रिलेशन कैसा देता है दोस्तों? वन साइडेड होता है। ऑल का हमेशा रिलेशन कैसा होता है दोस्तों? वन साइडेड रिलेशन होता है ऑल का हमेशा। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में, तो ऑल पटेटोस। अच्छा यार, पटेटो और कैबेज का मेरे भाइयों क्या रिलेशन होगा बताओ? आलू और गोभी का रिलेशन क्या है? मैंने क्या बोला था, जैसे कार और बस, सिस्टर ब्रदर, वुमैन मैन, ये रिलेशन मेरे भाइयों बिल्कुल अलग है। इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नहीं का रिलेशन होता, नो का रिलेशन होता है। तो भाई पटेटो और कैबेज अपनी अपनी जगह पर है, ये नो का रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पटेटो और कैबेज अपना अलग अलग हुआ, कैसा रिलेशन नो का? और मेरे भाइयों वेजिटेबल और कैबेज कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन। क्यों? कि ऑल कैबेज आर वेजिटेबल्स, ऑल
कैविजार वेजिटेबल्स सभी गोभी क्या है मेरे भाइयों, सब्जियां हैं। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो क्या हो गया रिलेशन, ऑल ऑल नो का कैसा फिगर, कौन सा फिगर होगा आपके दिमाग में ही आ गया होगा, ऑल नो नो नो। तो ये आया नहीं आया मेरे भाइयों, ये आया नहीं आया। यहां पर पटेटो आ जाएगा या कैबेज आ जाएगा या वेजिटेबल आ जाएगा। सभी पटेटो वेजिटेबल्स हैं, सभी कैबेज वेजिटेबल्स हैं, और कोई भी पटेटो कोई भी आलू क्या नहीं है मेरे भाइयों, गोभी नहीं है। ये रिलेशन बना कि नहीं बना बताइए, रिलेशन बना कि नहीं बना? तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये बात यहां से आपकी क्लियर हो गई, हुई या नहीं हुई मेरे भाइयों? तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल ऑल नो, क्योंकि मेरे भाई ये सभी आलू क्या है, सब्जियां हैं। यह आपकी क्लियर हो गई, और पहले बोल चुका हूं ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड देगा, सम का रिलेशन हमेशा टू साइडेड होगा, और नो का रिलेशन मेरे भाइयों कोई भी तरह का कोई भी तरफ से नहीं होगा। यही बात मैंने बोला, अब ध्यान देना। ये भाई पटेटो और कैबिस तो अलग अलग हो गए, हो गए नहीं हुए? सभी पटेटो वेजिटेबल्स क्लियर हो गया, सभी कैबिस ऑल ऑल कैबिस आर वेजिटेबल्स, ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान देता नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बात क्लियर हुई, बात समझ में आई आपके सभी के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, ध्यान देना है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, कहता है हस्बैंड 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 वाइफ हस्बैंड वाइफ और फैमिली और तो मैं इसके लिए लेता हूं, ध्यान दो, वही ये फिगर ये फिगर ये फिगर, बताइए क्या होगा? केवल आपको रिलेशन निकालना आना चाहिए। यदि आपको रिलेशन निकालना आता है, वो मैंने बोला था ना, ये आपको 99% तीन ही ज्यादातर देता है। बैंकिंग में क्या करता है, कभी वो एक्स्ट्रा दे देता है, वो एक बात अलग होती है भाइयों, वो थोड़ा केस एक अलग होता है, अब ध्यान देना भाई। हस्बैंड वाइफ फैमिली, हस्बैंड और वाइफ का क्या होगा मेरे भाइयों बताइए, ऑल होगा नो होगा क्या होगा बताइए आप? आप कहोगे भाई हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन तो मेरे भाई नो का है। नहीं, ये कह सकता है कि कुछ पत्नियां पति हैं या कुछ पति पत्नी है या सभी पति वाइफ, ये भी नहीं कह सकता सभी पति पत्नी है या सभी पत्नी पति है, ऐसा तो नहीं कह सकता। तो रिलेशन कैसा हुआ, नो का हुआ, कि कोई भी पति क्या नहीं है मेरी पत्नी नहीं है या कोई भी पत्नी मेरी पति नहीं है, कैसा रिलेशन है मेरे भाइयों, नो का रिलेशन है या नहीं बताइए, क्लियर है यहां तक? उसके बाद भाई ये क्या होगा, ये वाइफ किसके अंडर आएगी, फैमिली के अंडर आएगी कि नहीं आएगी? तो ऑल वाइफ इज फैमिली, ये ऑल के अंदर आ गई। हस्बैंड भी किसके अंडर आएगा मेरे भाइयों, फैमिली के अंडर आएगा, ये भी ऑल का रिलेशन हो गया। देखो ध्यान देना, हस्बैंड और वाइफ का तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, नो का रिलेशन है, क्योंकि कोई भी जो हस्बैंड है वो वाइफ नहीं होगी, ये बात क्लियर है, और कोई भी वाइफ क्या नहीं होगी, हस्बैंड नहीं होगी, लेकिन सभी वाइफ फैमिली के अंडर आएंगी, और ध्यान देना हस्बैंड भी किसके अंडर आएगा, फैमिलीज के अंडर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए भाइयों, अब ध्यान देना। तो क्या हो गया, ऑल ऑल नो, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही वाला हुआ कि नहीं हुआ, ऑल ऑल नो, तो क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड और ये वाइफ और ये फैमिली, हुआ कि नहीं हुआ, हस्बैंड वाइफ और फैमिली, सभी पति फैमिली के अंडर आ गए मेरे भाइयों, सभी वाइफ फैमिली के अंडर आ गए, और हस्बैंड और वाइफ कोई भी रिलेशन नहीं है। बात क्लियर होगी, बात समझ में आई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। केवल आपको जो मैंने पहले बताए बेसिक रूल, केवल वो आने चाहिए,
यदि आपको वो बेसिक रूल आते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको बेसिक पता ही है सारी चीजों का कि क्या चीज है। देखो ध्यान देना, स्क्वायर, स्क्वायर जिसको वर्ग बोलते हैं हम, जो आप हिंदी में नहीं जानते हो उतना मैं लिखूंगा जरूर, क्योंकि भाई ये बाइलेंगल ही क्लास है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल लिखना है भाई, आर ई सी रेक्टेंगल, टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल। उसके बाद पॉलीगन, पॉलीगन इसको बोलते हैं हम आयत, और इसको बोलते हैं हम भाववस। क्वेश्चन रीजनिंग में कभी कभार ना, जैसे आप कोडिंग रिकॉर्डिंग मतलब जैसे एनालॉगी की बात करते हो, तो एनालॉगी में जीएस से भी को क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि कहता है दिल्ली को नई दिल्ली लिख रहे हैं, तो बताइए फिर क्या लिखेंगे, नखलों को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किससे बना देता है, जीएस से बना देता है। तो बताइए इसको फिगर कैसा बनेगा, इस वाले का फिगर, क्या मैं फिगर नहीं दूं तो आप फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो, बताइए कर सकते हो, केवल क्या आना चाहिए आपको, बेसिक जो मैंने बताया था वो आना चाहिए, फिर भी मैं कर देता हूं। या और ऑप्शन डी बताइए क्या होगा, बताइए। देखो ध्यान देना, केवल मैंने वही चीज बोला, अब स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ध्यान देना। अब एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी बनता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर क्या होता है। स्क्वायर वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये बात क्लियर है। अब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, लेकिन केवल इसमें भी 90 डिग्री का कोण होता है, लेकिन केवल इसमें आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बहुभुज, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा भुजाएं, बहुभुज मतलब अधिक भुजाएं। तो एक सी बताओ, क्वेश्चन बनता है खूब, क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है, तो हमेशा याद रखना सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, नॉट नहीं के ऑल रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ऐसा नहीं है, ये है कि ऑल स्क्वायर इज रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर आयत है, ना कि सभी आयत वर्ग है, इस बात को ध्यान में रख लो आप, इस बात को क्लियर कर लो आप। तो क्या होगा मेरे भाइयों, ये ऑल का रिलेशन यहां से होगा कि नहीं होगा, कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, ये ऑल का रिलेशन हुआ, सभी रेक्टेंगल पॉलीगन है, ये ऑल का रिलेशन हुआ, और सभी स्क्वायर पॉलीगन है, ये कैसा रिलेशन हुआ, ऑल का रिलेशन हुआ। तो तीनों में कैसा रिलेशन निकला, ऑल ऑल ऑल, तीनों में निकला या नहीं निकला, ऑल 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 का तीनों में भाई, क्यों, कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है, ऑल का रिलेशन, सभी रेक्टेंगल पॉलीगन है, ऑल का रिलेशन, और सभी स्क्वायर पॉलीगन है, ऑल का रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे भाइयों, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतनी बात क्लियर होगी तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ये बात क्लियर है ना, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है बस कार व्हीकल, बस कार व्हीकल, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बस कार व्हीकल, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी,
ऑप्शन डी बताइए कौन सा होगा, इसमें क्या सही होगा बोलिए बताइए। वही चीज है, केवल आपको क्या आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए कि भाई रिलेशन कैसे निकालना है, वही चीज तो है केवल। वो चीज यदि आपको आ गई तो आपकी बात बन जाएगी आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनेगी। तो ध्यान देना भाई, बस और कार का रिलेशन कैसा होगा, नो का रिलेशन होगा, ये बात तो आपकी क्लियर आ रही होगी। ये चीज मैंने जब तीन टाइप्स कराए थे ऑल सम नो वाले में, मैंने नो वाले में ये वाला भी दिया था, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था, मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया था कि कोई भी बस क्या नहीं है, कार नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताया था, ध्यान देना। अब एग्जाम्पल्स ये किया, उसके बाद कार और व्हीकल्स में कैसा रिलेशन होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि सभी व्हीकल कार है, सभी वाहन कार कैसे कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि सभी कार वाहन है, सभी कार वाहन है, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये ऑल का रिलेशन हो जाएगा। हाँ भाई, होगा कि नहीं होगा, ऑल कार इज व्हीकल, सभी कार वाहन है, ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान देना, बस और व्हीकल का रिलेशन कैसा होगा, बस और व्हीकल का रिलेशन कैसा होगा, यहां पर भी ऑल का रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, कि ऑल बस आर व्हीकल, ऑल बस आर व्हीकल, सभी बस क्या है मेरे भाइयों, वाहन है। तो क्या हो गया, नो ऑल ऑल, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाइयों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये बस, ये बी, ये कार और ये व्हीकल। कोई भी बस व्हीकल नहीं है, सभी बस व्हीकल है, सभी कार व्हीकल है, ये बात क्लियर हुई, ये बात समझ में आ गई आप सभी के इतना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर हो गया, क्योंकि भाई कोई भी बस कार नहीं है, नो का रिलेशन आपको क्लियर दिखाई दिया, सभी कार व्हीकल है, ये बात ऑल का रिलेशन आपको क्लियर दिखाई दिया, और सभी बस व्हीकल है, ये ऑल का रिलेशन आपको यहां पर भी क्लियर दिखाई दिया। अब ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात समझ में आ रही है, आगे ध्यान देना, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चनों की, लेकिन मैंने बेसिक एक वीडियो बना दी है इसकी भी, आप वहां से भी देख सकते हो। ध्यान देना, क्वेश्चन है हाउस 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 और फिर लेते हैं हाउस के बाद बेडरूम, बेडरूम के बाद लेते हैं बाथरूम, हाउस बेडरूम और बाथरूम, क्या होगा इसका रिलेशन बताइए। इसका मैं फिगर नहीं देता हूं तो फिर इसका फिगर क्या बनेगा, आप लोग बताइए एक बार कैसा फिगर बनेगा इसका, लेकिन मैं दे देता हूं फिर भी। लो ऑप्शन डी बताइए, बताइए मेरे भाइयों, हाउस बेडरूम बाथरूम, इसके क्या होगा रिलेशन, ध्यान देना भाई, हाउस बेडरूम बाथरूम का रिलेशन क्या होगा एक बार बताओ भाई। बेडरूम कहां पर होगा, हाउस के अंदर होगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बताओ। तो ये रिलेशन इस तरीका से निकला, ये भाई ऑल का रिलेशन निकला या नहीं निकला, यार जो बेडरूम है वो किसके अंदर होगा मेरे भाइयों, घर के अंदर ही तो होगा, ऐसा नहीं है कि घर, ये नहीं कह सकते आप सभी बेडरूम क्या है, हाउस है। अच्छा, उसके बाद बाथरूम और बेडरूम का रिलेशन कैसा होगा, नो का होगा मेरे भाइयों,
क्योंकि जो ये काम कर सकता है, जैसे बस और कार एक रिलेशन था ना, उसी तरीका से इसका रिलेशन। तो आप ये नहीं कह सकते हो तो क्या होगा, कोई भी बाथरूम बेडरूम नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों ये आप बताओ कि ये जो बाथरूम है किसके अंडर होगा, हाउस के अंडर होगा कि नहीं होगा, तो ये कैसा रिलेशन हुआ, ये भी ऑल का हुआ। तो ऑल ऑल नो, ऑल ऑल नो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑल ऑल नो, तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, ये बेडरूम और ये बाथरूम, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, हाउस। कोई भी बेडरूम बाथरूम नहीं है, कोई भी बाथरूम बेडरूम नहीं है, सभी बेडरूम घर हैं और सभी बाथरूम भी क्या है मेरे भाइयों, घर हैं। बात क्लियर है, बस समझ में आई यहां तक? तो ये केवल आपको आना चाहिए, क्या ये वाला रिलेशन आपको निकालना आना चाहिए। यदि आपको ये निकालना आता है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक को बोलते हैं ईंट, और ब्रिक के बाद में फिर है ब्रिक, और उसके बाद लेते हैं हम हाउस, HOUSE हाउस, इसको घर बोलते हैं हिंदी में, और उसके बाद लेते हैं फिर ब्रिज, BRIDG ब्रिज, ब्रिज को बोलते हैं मेरे भाई पुल। बताइए कौन सा फिगर बनेगा, इसका फिगर पूछ रहा है कि कौन सा इसका फिगर बनेगा, ध्यान देना। मैं इसका फिगर बनाता हूं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए क्या बनेगा इसका फिगर, बताओ भाई, बताइए क्या बनेगा। मतलब इसको देखो, इस ट्रैप से भी तो बनाया था भाई मैंने इस वाली फिगर को, तो बात तो एक ही है। देखो ध्यान दो, ब्रिक और हाउस का रिलेशन कैसा बनेगा आप ये बताओ पहले तो मुझे। ब्रिक और हाउस का जो रिलेशन है वो कैसा बनेगा, देखो ध्यान देना भाई। आपको पता है ब्रिक और जो हाउस है उसका रिलेशन कैसा है, तो ध्यान देना आप एक चीज, ये भाई ब्रिक है ठीक है, मैं यहां हाउस रख देता हूं और यहां ब्रिज रख देता हूं ठीक है, ये ब्रिक है और ये क्या है मेरे भाइयों, देखो ध्यान दो, देखो ये क्या रख देता हूं मैं यहां पर, हाउस, ब्रिक और इसको ब्रिज। भाई जो कुछ हाउस है वो क्या है, ब्रिक है, और कुरु, लेकिन कोई भी घर ब्रिज नहीं होगा, ये बात आप क्लियर कर लो, ये बात आप क्लियर कर लो, कोई भी ब्रिज क्या नहीं होगा मेरे भाइयों, हाउस नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंने ऐसा क्यों कर दिया, देखते भाई इसका आंसर मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि यार घर से तो ईट और ब्रिज का भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन ब्रिज और ब्रिक का कोई भी रिलेशन नहीं है मेरे भाइयों, किसका, ब्रिज और ब्रिक का कोई भी रिलेशन नहीं है, पुल और ईंट का कोई भी रिलेशन नहीं है। बात यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आई आप सभी के, समझ में आ रही है यहां तक, बताइए कोई यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो इस पे थोड़ा। बॉयज स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट्स और एथलीट्स, एथलीट्स बताइए क्या इसका रिलेशन बनेगा, बताइए मेरे भाइयों क्या रिलेशन बनेगा इसका, एक बार फिगर बनाऊं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बताओ क्या बनेगा, बॉयज स्टूडेंट्स और एथलेट्स का रिलेशन बताइए मुझे कि रिलेशन इसका क्या बनेगा। देखो ध्यान दो भाई, बॉयज और स्टूडेंट्स का रिलेशन कैसा होगा आप खुद बताओ भाई, कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी लड़के भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा हुआ, सम का रिलेशन हुआ, यस या नो बताइए। कुछ लड़के का कैसा है भाई, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, सम का रिलेशन हुआ। कुछ एथलीट्स विद्यार्थी हैं और कुछ स्टूडेंट्स एथलीट्स हैं, कैसा रिलेशन हुआ, सम का रिलेशन हुआ। और बॉयज और एथलीट्स का भी कैसा रिलेशन है मेरे भाइयों, सम का रिलेशन है, क्योंकि कुछ एथलीट्स बॉयज हैं और कुछ बॉयज एथलीट्स हैं, सम का रिलेशन हुआ। तो इन तीनों में कैसा रिलेशन है, सम 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 का है, और सम सम के लिए मैंने कौन सा रिलेशन वाला मैंने आपके लिए बताया था फिगर, देखते ही कौन सा फिगर सही कर दोगे आप, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देखते ही कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाइयों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थी लड़के हैं कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, सम का रिलेशन, कुछ विद्यार्थी एथलीट्स हैं और कुछ एथलीट्स स्टूडेंट्स हैं, सम का रिलेशन, और कुछ एथलीट्स बॉयज हैं और कुछ बॉयज एथलीट्स हैं, सम का रिलेशन। तीनों में कैसा रिलेशन हुआ, सम सम सम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, समझ में आ गया यहां तक आपके सभी के, समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और क्वेश्चन नंबर फिर एक और देखते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फ्लावर 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 के बाद में क्लॉथ्स क्लॉथ्स के बाद में क्लॉथ्स के बाद में है वाइट, अच्छा अब इसका फिगर देखते हैं कि फिगर इसका कैसा बनेगा, उसके लिए मैं एक बार आपको फिगर बना के दिखा देता हूं सभी के सभी। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बताइए कौन सा होगा, फ्लावर क्लॉथ्स और वाइट बताओ। देखो ध्यान देना भाई, अब इसकी एक चीज आ रही होगी माइंड में भाई, कुछ फ्लावर वाइट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और फ्लावर क्लॉथ हो सकते हैं क्या है, ये चीज आपके बताओ भाई। फूल और कपड़े का जो रिलेशन है वो सबसे अलग है, इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, क्या है इन दोनों का रिलेशन किसी में कुछ, तो भाई ये फ्लावर और क्लॉथ अलग हुए, ये फ्लावर और क्लॉथ का कैसा रिलेशन है, इनका रिलेशन तो मेरे भाई नो का है, कैसा रिलेशन है इन दोनों का, तो नो का रिलेशन है, किसका, फ्लावर और क्लॉथ का तो नो का रिलेशन है, लेकिन कुछ क्लॉथ वाइट हो सकते हैं, ये सम का रिलेशन है,
और कुछ फ्लावर भी वाइट हो सकते हैं, ये भी कैसा रिलेशन है, ये भी सम का रिलेशन है। तो सम सम नो, ये निकला कि नहीं निकला भाई यहां से रिलेशन? भाई कोई भी फ्लावर कपड़ा नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है भाई? नो क्लॉथ इज फ्लावर और नो फ्लावर इज क्लॉथ, बात क्लियर है कि ना तो कोई भाई फूल कपड़ा हो सकता है और ना कोई कपड़ा फूल हो सकता है, नो का रिलेशन। लेकिन कुछ फूल सफेद हो सकते हैं, ये बात सही है, कुछ फूल सफेद हो सकते हैं और क्या हो सकता है, कुछ सफेद कपड़े भी हो सकते हैं। तो सम सम नो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये फ्लावर हुआ, ये वाइट हुआ और ये क्लॉथ हुआ। कुछ फ्लावर वाइट है, कुछ वाइट क्लॉथ है और कोई भी फ्लावर क्या नहीं है मेरे भाइयों, क्लॉथ नहीं है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ यहां तक सभी के? बताइए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्स फादर्स, मेल्स फादर्स डॉक्टर्स, अब ध्यान देना, मेल्स फादर्स डॉक्टर्स, क्या रिलेशन होगा, कैसा फिगर बनेगा इसका, बताइए। फिगर लेते हैं इसके, ए ये वाला फिगर, और बी सी और डी, बताइए कौन सा होगा इसका, क्या बनेगा, बताइए कैसा कैसा इसका फिगर बनेगा, मेल्स फादर्स और डॉक्टर्स, बताइए बताइए एक बार कैसा बनेगा इसका, फादर्स और मेल्स में कैसा बनेगा, क्या ये कह सकता हूं सभी आदमी फादर है? नहीं दोस्तों, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं मैं कि सभी फादर आदमी है। और मैंने बोला था ऑल का रिलेशन हमेशा कैसा निकलता है मेरे भाइयों, वन साइडेड रिलेशन होता है। कैसा होता है? वन साइडेड रिलेशन होता है, ये चीज मैं बोल चुका हूं। तो क्या होगा, सभी फादर क्या है मेरे भाइयों, आदमी है। और कुछ डॉक्टर कौन हो सकता है भाई, पिता भी हो सकते हैं, बट ठीक है भाई, ये नहीं कह सकता कि सभी डॉक्टर पिता हैं या सभी फादर डॉक्टर हैं, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कुछ डॉक्टर पिता हैं और कुछ पिता डॉक्टर हैं, ये बात क्लियर कह सकता हूं, बात क्लियर है। ये भी कह सकता हूं कि कुछ आदमी डॉक्टर्स हैं, ये भी कैसा रिलेशन है, ये भी सम का रिलेशन है। कुछ डॉक्टर्स आदमी है और कुछ आदमी डॉक्टर्स हैं, ये भी कैसा रिलेशन है, सम का है। सम सम ऑल, सम सम ऑल, तो ऑप्शन सम सम ऑल का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फादर मेल और डॉक्टर, सभी पिता आदमी है, कुछ डॉक्टर आदमी है और कुछ डॉक्टर पिता है, ये बात क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आई आपके इतने? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड होता है, सम का रिलेशन हमेशा टू साइडेड होता है, ये चीज तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फिर ध्यान देना, क्वेश्चन है स्टार मून और सन, स्टार मून और सन, स्टार स्टार मतलब तारा,
स्टार मतलब तारा, और फिर लेता हूं मैं एक और, मून मतलब चंद्रमा, मून मतलब चंद्रमा, और आगे लेते हैं फिर एक और सन मतलब सूर्य। अब ध्यान देना, इसके लिए फिगर बनाता हूं, फिगर देखिएगा एक बार, या आप बिगर फिगर के भी इसका आंसर दे सकते हो। ध्यान देना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है जितना आप इसे हार्ड सोच रहे हो, इस बात को दिमाग में घुसा लो बस। बताइए क्या होगा, क्या होगा? स्टार और मून का रिलेशन क्या है पहले ये निकालो, फिर मून और सन का रिलेशन क्या है, और फिर स्टार और सन का रिलेशन क्या है ये निकालो। देखो ध्यान देना भाई, एक चीज आपके माइंड में आई होगी, कोई भी स्टार मून नहीं होता है, ये बात क्लियर है। ये नहीं कह सकते कुछ चंद्रमा तारा है या कुछ तारा चंद्रमा है, कोई भी तारा चंद्रमा नहीं है और कोई भी चंद्रमा तारा नहीं है, नो का रिलेशन, ये भी नो का रिलेशन। लेकिन सभी चंद्रमा, ये सॉरी सभी सूर्य तारे हैं, ये ऑल का रिलेशन है। सभी सूर्य क्या है मेरे भाइयों, तारे हैं, ये बात क्लियर है। ऑल सन इज स्टार, ऑल सन इज स्टार, सभी सूर्य तारे हैं, ये बात यहां तक क्लियर आ रही होगी भाई। कोई भी स्टार और मून का रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन स्टार और मून का, सन और मून का भाई नो का रिलेशन, लेकिन सभी सन स्टार हैं, सभी सूर्य तारे हैं, कैसा रिलेशन हो गया मेरे भाइयों, ऑल का रिलेशन। ये किसमें दिखाई दे रहा है, नो नो ऑल, नो नो ऑल, ये हो जाएगा आपका मेरे भाइयों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सन, ये सन हो गया, ये स्टार हो गया, और ये क्या हो गया मेरे भाइयों, मून हो गया। कोई भी मून सन नहीं है, कोई भी मून स्टार नहीं है, और सभी सन क्या है मेरे भाइयों, स्टार हैं। इस तरीका से ये प्रैक्टिस है क्वेश्चनों की, और मैं आते लेके आऊंगा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो इस तरीका से आप आराम से क्वेश्चन करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, थैंक्स।